दोस्तों, टाटा आईपीएल का 48वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। ये मुकाबला हमें एक तरफा देखने को मिला। गुजरात टाइटंस ने आसान जीत हासिल कर पॉइंट टेबल में टॉप पर बनी हुई है। अगर आप हार्दिक पांड्या के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैच की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। संजू सैमसन का बल्लेबाजी करने का निर्णय उनकी टीम के लिए उल्टा पड़ गया। राजस्थान रॉयल्स की टीम 17.5 ओवर में 118 रनों पर ऑल आउट हो गई। राजस्थान रॉयल्स के लिए उनके कप्तान संजू सैमसन ने 20 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली और कोई भी बल्लेबाज अच्छा स्कोर नहीं बना पाया। गुजरात टाइटंस के अफगानी गेंदबाजों ने इस तरह कहर बरपाया कि राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आया और लगातार विकेट गिरते रहे। गुजरात टाइटंस के लिए राशिद खान ने 3 और नूर अहमद ने 2 विकेट चटकाए, जिससे राजस्थान रॉयल्स की पारी 118 रनों पर सिमट गई। 118 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे गुजरात टाइटंस की ओपनिंग पार्टनरशिप 71 रनों की हुई। सुमन गिल ने 36 रन और रिद्धिमान शाह ने 41 रनों की पारी खेली। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। सुमन गिल के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ 15 गेंदों में 39 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस मैच को गुजरात टाइटंस ने 13 ओवरों में 9 विकेट से जीत दर्ज की।